ग्रेजिंग मतलब जैसे आप काम कर रहे हो जी ओपन, मतलब खुले में चराना पशु को, और एक स्टॉल फीड होती है। स्टॉल फीड मतलब मतलब जैसे थान में घर पे बांध के चराना। हाँ हाँ दोनों में खर्चे का कितना डिफरेंस है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बताओ मेरे दर्शकों को। सर जी इकट्ठा गाय लेने वाला नहीं है इतनी, 150 गाय कौन खरीदेगा, 10-15 सेल होगी, इतने 10-15 कोई बच्चे इनके साथ आ जाएगी। बहुत बैठे हैं जी सेल लेने लिए, लेने के लिए जी एक साथ। ओंकार भाई साहब आपका एड्रेस बता दो जी। एड्रेस है जी 10 छोटी ठाकरा वाली और डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान। ठीक है जी, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोल दो जी। कॉन्टेक्ट नंबर है जी 7298-26-207, यही व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है। ठीक है जी, धन्यवाद। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं गुरदीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु चिकित्सा गुरु में। दोस्तों साहिवाल गौ माता आज आपको दिखाने जा रहे हैं जी। कई गौ माता सेल के लिए और कुछ क्वालिटी शो क्वालिटी के लिए आपके सामने लेके आए हैं जी। दोस्तों क्वालिटी आप देख सकते हो, लगभग 40 से 50 साल के एक्सपीरियंस से जो लाइन के पास तैयार हुई है, उस लाइन का जो तजुर्बा और उसकी जो करेक्टर हैं वो आपके सामने है दोस्तों। वास्तव में ज़बरदस्त क्वालिटी जो इन्होंने तैयार की है जी। सभी गायें सेल के लिए अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन कुछ है जो आपको लाइन का मेजरमेंट है जो आपको करवा रहे हैं, ताकि आपको मेहनत का तजुर्बा है जो वो आपके सामने आ जाए दोस्तों। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही शानदार रंग आप देख सकते हो। नीचे के करेक्टर हैं जो नाभि के हम्प के करेक्टर हैं, और जो गलकंबल है, और जो सबसे मेन बात है कि जो रीढ़ की हड्डी वाली आर्च है वो आप देख सकते हो दोस्तों, जबरदस्त क्वालिटी में है जी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और जिस किसान के पास ये गाय हैं उस किसान से आपको बातचीत करवाते हैं दोस्तों। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम योगी है जी। योगी? हाँ जी। पूरा नाम क्या है जी? पूरा नाम ओंकार नाथ योगी। ओंकार नाथ योगी है जी। हाँ जी। तो आप नाथ संप्रदाय से हो जी? हाँ जी। ठीक है जी, कितने टाइम से ये काम कर रहे हो जी? हमारे तो सर जी ये चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी है जी। हाँ जी। लगभग आपका एक्सपीरियंस कितने टाइम का हो गया जी? हमारा मेरा एक्सपीरियंस मान के चलो कम से कम 12-13 साल हो गए। 12-13 वर्ष हो गए जी आपके एक्सपीरियंस को। हाँ जी। तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है जी, काफी एक्सपीरियंस लग रहा है जी आपको। हाँ जी। और मेरे को ऐसे बात बताओ भी, आप जो भी गायें रखते हो उनको खाना खाने के लिए क्या कुछ देते हो जी? खाना तो ये नॉर्मल ही है इधर, अपने गेहूं का जैसे हुआ भूसा हुआ जी, और ग्वार का नीरा और मूंग का नीरा जी, नॉर्मल चारा है। तो एक बात और मेरे समझ में की, आप उन गायों को वापस कर लेके आओ, मैं उस टाइम की थोड़ी और वीडियो बनाता हूँ जी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में तो जबरदस्त है जी। साहिवाल बुल है जो, वो भी बहुत शानदार है जी, आप देख सकते हो क्वालिटी। ओंकार भाई साहब कितने आपके पास गौ माता फिलहाल है, सारी की टोटल गिनती के साथ बताओ मेरे को। अपने पास लगभग 140-145 गाय है। 140-145 है जी। अपने पूरे परिवार में लगभग 600 से अधिक ही होगी, कम नहीं है गाय। 600 से अधिक होगी। हाँ जी। ठीक है जी, तो अभी सेल के लिए क्या कुछ अवेलेबल है जी? सेल से जी दो भाई आके लेगा, वो पसंद करेगा वही दे देंगे उसको, वही गाय दे देंगे। प्राइस क्या कुछ रहने वाला जी? प्राइस है जी 30,000 स्टार्ट हो जाएगा, लाख तक चली जाएगी। तो 1,00,000 तक चली जाएगी जी। हाँ जी। कई भाई तो कहते हैं 1,00,000 से भी ज्यादा चली जाती है जी। हाँ चली जाती है, वो तो आपकी पसंद पर है ना। हाँ, अपनी जो आप पसंद करोगे। ठीक है जी, तो एक बात और ओंकार भाई साहब मेरे दिमाग में आ रही है, किसी भी कोई भी जब गौ माता या कोई भी एक्स वाई जो अपने घर पे जानवर पालते हैं जी, उसकी ज्यादा केयर करते हैं तो वो मतलब ऐसे लगता है कि जितनी ज्यादा केयर करो पशु उतना ही ज्यादा अपने को धोखा दे जाता है, इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है जी? वो तो सर जी किस्मत की बात है, कोई कम केयर करता है फिर भी उसको फायदा हो जाता है, कोई ज्यादा केयर करता है फिर भी नुकसान हो जाता है उसको। ये बात है जी, जी। ये बात मैं ना दर्शकों को मेरे व्यूवर्स हैं जो उनको बताना चाहूंगा कि किसी भी बंदे से अपने जब कोई भी गौ माता या कोई भी पशु अपने खरीद लेते हैं तो वो अपनी समझ से लेना है जी अपने को, ये बात एक जानने वाली है जी। बाद में अपने जब कोई गौ माता ले लेते हैं या कोई भी पशु अपने खरीद लेते हैं, इकट्ठा गाय लेने वाला नहीं है इतनी, 150 गाय कौन खरीदेगा, 10-15 सेल होगी, इतने 10-15 कोई बच्चे इनके साथ आ जाएगी। बहुत बैठे हैं जी सेल लेने लिए, लेने के लिए जी, एक साथ इकट्ठा नहीं आएगी, इतने बच्चियां तैयार हो जाती है अपने, क्वालिटी लेने वाले बहुत बैठे हैं जी। हाँ है ना जी, बिल्कुल। तो फिलहाल आप चराने के लिए कितना टाइम लेके जाते हैं जिनको? ये 5-6 घंटा लेके आते हैं घर से। 5-6 घंटे जी। हाँ जी।
और घर पे क्या कुछ खिला रहे हो जी? घर पे अभी कुछ नहीं खिला के जाएंगे, घर इधर से जो खा लिया घर पे कोई दाना देंगे, जैसे मूंग का दाना हुआ, उड़द का दाना हुआ। जी एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे ओपन ग्रेजिंग मतलब जैसे आप काम कर रहे हो, ओपन मतलब खुले में चराना पशु को, और एक स्टॉल फीड होती है, स्टॉल फीड मतलब मतलब जैसे थान में घर पे बांध के चराना, दोनों में खर्चे का कितना डिफरेंस है? अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बताओ मेरे दर्शकों को। सर जी आध का फर्क आ जाता है, जैसे एक गाय पे अगर 500 खर्चा आता है घर पे खड़ी रहने का, अगर बाहर चर के जाएगा तो उसका खर्चा लगभग 200 ही आएगा। 200 आएगा, 500 से सीधा 200 आ जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब आप 20 गाय घर पे रख रहे हो तो एक बंदा आप चराने के लिए पशुओं को बाहर ग्राजिंग करने के लिए रख सकते हो। हाँ रख सकते, उससे आपका बंदे का खर्चा। दूसरी बात है जो पशु की एक्सरसाइज होती है, पशु की इम्यूनिटी बढ़ती है, जो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज है जी। ग्रेजिंग ओपन ग्रेजिंग है जो, जिसे आप देख सकते हो ऑर्डर की क्वालिटी है, जो वेन्स में पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है जी, इसी का कारण है कि ओपन ग्रेजिंग में जो भी एनिमल्स सरवाइव करते हैं वो दोबारा जल्दी से बीमार नहीं होते जी। ओंकार भाई साहब, जैसे अपने कोई भी गोमाता आप किसी भी पशुपालक को देते हो जी, तो डिस्काउंट क्या रहेगा जी उसका? डिस्काउंट सर जी वो तो मान सम्मान पे है, कितना ही कर दो चाहे। कितना ही कर दो, वो जो गाय के हिसाब से ही डिस्काउंट हो जाएगा। व्यूवर्स जो भी भाई अपने देख रहे हैं वीडियो को, मैं एक ऐलान करता हूँ, मैं एक छूट देता हूँ, जो भी भाई ओंकार भाई से गाय या गोमाता खरीदेगा मेरी तरफ से उसको 1000 रुपये की छूट की जाएगी। मेरे को आपने फ़ोन करके बुलाना है, उस सौदे पर बुलाना है जिसपे आपने सौदा किया है, उस सौदे पर मैं 1000 रुपये छुड़वाऊंगा जी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियो भी आप हमारी देखते रहोगे। धन्यवाद दोस्तों।